जिनका सर किताबों में झुका रहता है, जिनका सर किताबों में झुका रहता है, एक दिन उसके सामने पूरी दुनिया झुकती है। नमस्कार, जोहार मेरे झारखंड के शेर शेरणियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के साहित्य के बारे में, और झारखंड के साहित्यों को हमने बांटा था तीन भागों में, और उसमें से आज हम बात करने वाले हैं जनजातीय साहित्य का। हम बात किए हुए थे संथाली साहित्य के बारे में, और आज ये हमारा मुंडारी साहित्य के बारे में बताने वाले हैं। तो आप यहाँ से हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको मुंडारी साहित्य के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको ये बताने वाले हैं कि मुंडारी साहित्य में साहित्यकार कौन थे, मतलब रचनाकार कौन थे, और उन्होंने कौन से साहित्य की रचना किए और किस समय किए, कौन से कालखंड में किए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा जानकारी देने वाले हैं, मतलब कि फुल पैकेज आपको मिलने वाला है मुंडारी साहित्य के बारे में, जहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपके झारखंड लोक सेवा आयोग में और झारखंड सचिवालय में। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको सब कुछ देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां से हम शुरू करते हैं आज के सेशन को, और इसमें हम बात करते हैं मुंडारी साहित्य के बारे में। मुंडारी साहित्य जो है, यहां से बात करते हैं कि मुंडारी साहित्य का जो प्रमुख कथा है उसका नाम है सोंगा बोंगा, ठीक है। और ये क्या होता है, सोंगा बोंगा के बारे में उसमें कथा वर्णित किया हुआ है, और इसको सुनाने वाले का नाम है देवड़ा, ठीक है। देवड़ाओं के द्वारा ये सुनाया जाता है, ठीक है, और धार्मिक रीति रिवाजों के साथ में सुनाया जाता है। जैसे पूजा करने के लिए क्या करते हैं, फ्रेश होना होता है, नहा धो करके उन्हें अच्छा हो जाना होता है, उसी तरह से क्या है, ये सोंगा बोंगा जो है ये हमारा क्या है, तो ये कथा है, प्रमुख कथा जो मुंडारी साहित्य में वर्णित है, और इनको सुनाने के लिए सुनाने वाले का नाम कहते हैं देवड़ा। जैसे पूजा करने वाला को पुजारी कहते हैं, उसी तरह से जो सोंगा बोंगा सुनाने वाले हैं उनको हम देवड़ा कहते हैं। और ये क्या है, धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सुनाया जाता है। अब यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों कि मुंडारी साहित्य कौन कौन से हैं, और उनके रचनाकार कौन हैं, और फिर कब उनकी रचना किया गया है। तो यहाँ से हम देखिए तीन भागों में इसको बात करके पढ़ेंगे। पहला जो सेशन होगा वो साहित्यकार होगा, किसने लिखा है। दूसरा जो भाग होगा, किस वर्ष लिखा है, वर्ष होगा। और तीसरा जो भाग है, इसमें हम बात करेंगे कि कौन से साहित्यों की रचना किए हुए हैं। तो चलिए यहां से हम पहला बात करते हैं, यहां साहित्यकार हैं तो जे सी व्हिटली इनका नाम है, और इन्होंने 1873 ईस्वी में मुंडारी प्राइमर जो साहित्य है उनका प्रकाशन किए थे। नाम क्या है, मुंडारी प्राइमर, किन्होंने किया था, तो जे सी व्हिटली ने किया था। तो यहाँ से दोस्तों याद करने का हम बहुत आसान तरीका भी आपको बताते जाएंगे, आप वीडियो को देखते देखते सारा कुछ आपको याद हो जाने वाला है। तो चलिए यहाँ से हम इसको याद करने का तरीका देखते हैं। ये हमारा है प्राइमर, तो इसको क्या करते हैं, प्राइम करते हैं। प्राइम मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, प्राइम, तो प्राइम से हो गया। और यहाँ पर देखिए इटली है, इसको इटली कर दीजिए, तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या चाहिए, इटली चाहिए, प्राइम में क्या चाहिए इसको, इटली। तो यहाँ से हो गया जेसी व्हिटली, तो मुंडारी प्राइमर हो गया, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। दूसरा हम यहीं पे बात करते हैं, तो ये नाट्रोट है, और इनके द्वारा 1882 ईस्वी में मुंडारी ग्रामर की रचना किया गया। मुंडारी ग्रामर जो मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण था, कोई भी लैंग्वेज होता है, कोई भी भाषा है तो उसका एक व्याकरण होता है, उसी तरह से जो मुंडारी भाषा है उसका, मुंडाओं के द्वारा बोले जाने वाले उस भाषा का यहाँ पे मुंडारी ग्रामर के रूप में ग्रामर का यहाँ पे साहित्य लेखन किया गया, जिसमें क्या है, ये मुंडारी भाषा का पहला व्याकरण है, और लिखने वाला क्या है, तो ये नाट्रोट है। अब इसको क्या करते हैं, याद करने का तरीका देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देख लिया कि ये हमारा क्या है, ग्रामर है, ये मुंडारी ग्रामर। तो ग्रामर क्या होता है, कोई भी भाषा का स्टार्टिंग होता है उसे हम सीखते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना या फिर पढ़ना। तो उसी तरह से देखिए इसको हम क्या करते हैं, ए नोट कर देते हैं, ठीक है, ये नाट्रोट है तो इसको क्या करते हैं, नोट। देखिए ये और एन लगाना सीख गया तो कहाँ से सीखेगा, वो ग्रामर से, ठीक है, तो ये नोट लगाना है तो यहाँ से क्या किया, ये ग्रामर से सीख गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि पहले क्या सीखते हैं, ये नोट है ना, यूज करने सीखते हैं, तो मुंडारी ग्रामर हो गया जो पहला व्याकरण था। यहीं पे हम देखेंगे कि ए नॉट जो है, ये नाट्रोट जो है, इन्होंने 1899 ईस्वी में ही क्या किए थे, मुंडारी बाइबिल की रचना कर दिए थे।
अब यहाँ पे आपको रिलेट ये करना है कि मान लीजिए कोई ग्रामर सीख गया, उसके बाद क्या करेगा, वो बाइबिल की भी रचना कर देगा। तो यहाँ से देखिए, ग्रामर जब सीख गया तो मुंडारी बाइबिल की भी रचना कर दिया इन्होंने। तो कौन किए थे, तो वही किए थे, ये नाटरोट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं SJD स्मिथ जो है, इन्होंने 1891 ईस्वी में मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन किए थे। यहाँ पे नाम आप याद रखेंगे, स्मिथ है, ठीक है। तो ये क्या किए, मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन। कैसे इसको ट्रिक से याद करेंगे, देखिए यहाँ पे ये स्मिथ है ना, इसको क्या कर देते हैं, समेट कर देते हैं। और इन्होंने क्या किया, ये जो SJD स्मिथ है, इन्होंने सारे कागजात को समेट करके एक जगह करके इन्होंने क्या किया, मुंडारी ग्रामर का प्रकाशन कर दिया, उसको जाके प्रिंट करवा दिया, प्रकाशित कर दिया उस साहित्य को। ठीक है, तो यहां से समेट से आप याद रखेंगे इसको कि ग्रामर को क्या किए, प्रकाशित कर दिए। कौन थे वो, SJD स्मिथ थे। नेक्स्ट हम याद करेंगे SC राय, और इन्होंने 1912 ईस्वी में मुंडाज एंड देयर कंट्रीज की रचना किए। इन साहित्य का नाम है मुंडाज एंड देयर कंट्रीज। इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए ये जो थे व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि अपने पूरे कंट्रीज, मुंडा मतलब जो मुंडाज किसको कहेंगे, जो मुंडा है, ठीक है, मुंडा और अपने कंट्रीज के लोगों से राय मशवरा लिए, ठीक है, विचार विमर्श किए, तो राय लिए, तो क्या हो गया यहाँ से HC राय हो गया। और इन्होंने ही क्या लिखे थे, मुंडाज एंड देयर कंट्रीज। तो यहाँ से आप रिलेट कर लिए कि उन अपने पूरे कंट्री से और मुंडाओं से क्या किया, राय मशवरा लिया, तो राय लिया था, तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि फादर हाफ मैन, और इनके द्वारा 1896 में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, देखिए मुंडारी फर्स्ट प्राइमर है, तो इनकी रचना किया गया था किनके द्वारा, फादर हाफ मैन के द्वारा। आप यदि लोग झारखंड लोक सेवा आयोग का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन आपको कन्फर्म कर लेना है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ से देखिए इन्होंने क्या है, यहाँ पे रिलेट करेंगे फादर हाफ मैन, और ये 1896 ईस्वी में मुंडारी फर्स्ट प्राइमर की रचना किए। और इसमें हम देखेंगे कि इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ से हम पहले देखे थे वो था मुंडारी प्राइमर, और इनकी रचना किए थे वेटली साहब ने, लेकिन अब क्या है, मुंडारी फर्स्ट प्राइमर। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे आ गया ना, तो फर्स्ट वर्ड को आप रिलेट करेंगे, और यहाँ से देखिए इसमें नाम में आया था फादर, तो फादर जो होते हैं वो फर्स्ट हैं, तो इसे रिलेट कीजिए कि फर्स्ट प्राइमर जो है वो किनको दिया जाएगा, तो फादर को दिया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने ही, फादर हाफ मैन ही ने 1903 ईस्वी में क्या किए थे, मुंडारी ग्रामर की भी प्रकाशित किए थे, मुंडारी ग्रामर नाम का साहित्य, और इनको भी प्रकाशित किए थे। तो यहाँ से देख लिया, फर्स्ट प्राइमर जब हम ले लिए तो उसके बाद क्या किया, ग्रामर का भी प्रकाशन कर दिया। और वहीं पे हम बात करेंगे दोस्तों कि 1915 ईस्वी में इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की भी रचना किन्होंने किए थे, तो फादर हाफ मैन ही के द्वारा ही इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना भी किया गया था। और ये क्या है, तो मुंडारी, ये जो मुंडारी भाषा साहित्य है उसका विश्वकोश है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ कंफर्म करना है कि फादर हाफ मैन के द्वारा ही तीन साहित्यों का जो है प्रकाशन किया गया, उनमें से शामिल है मुंडारी फर्स्ट प्राइमर, फिर देखेंगे मुंडारी ग्रामर, और फिर नेक्स्ट है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। ये तीनों का प्रकाशन करने वाले हमारा फादर हाफ मैन ही थे। और यहाँ से मुंडारिका के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका क्या है, तो ये देखना है कि मुंडारी भाषा साहित्य का शब्दकोश है। ठीक है, विश्व शब्दकोश। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा पीके मित्रा है। पीके मित्रा साहब ने 1886 ईस्वी में मुंडारी का फॉक टेल की रचना किए थे। ठीक है, यहाँ से देखिए इनको हम रिलेट करते हैं फॉक टेल। फॉक मतलब क्या हो गया, झूठ हो गया, टेल मतलब बोलना, इसको देखिए टेल कर देते हैं। और यहाँ से हम देखेंगे मित्रा, पीके मित्रा है तो इसको मित्र बना लेते हैं। अब जो दोस्त होते हैं वो क्या है, बहुत ये फॉक टॉल मतलब झूठ बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप रिलेट करेंगे कि क्या है कि फॉक टेल मतलब झूठ बोलते हैं कौन, दोस्त जो रहते हैं, मजाक भी करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, पीके मित्रा जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, सारे लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो क्या है, हम लोग से कोई बात छुपाना रहता है, झूठ बोल दिए कि भाई नहीं ऐसा नहीं हम करते हैं। ठीक है, तो ये फॉक टेल हो गया, तो यहाँ से आप रिलेट करेंगे। ठीक है, अब हम अगला बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा है WG आर्चर के द्वारा 1942 ईस्वी में इन्होंने मुंडा दूरह की रचना किए थे। मुंडा दूरह जो मुंडारी लोकगीत का संकलन है,
सभी में लोकगीत हुआ करता है, और मुंडारी का जो लोकगीत है उसका जो संकलन है उनको मुंडा दुरह के नाम से जाना गया है, और वही साहित्य में उसका संकलन किया गया है। किसका? तो मुंडारी लोकगीत का। और करने वाले, संकलन करने वाले कौन हैं? तो WG आर्चर हैं। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए यहाँ पे आर्चर है, इसको हम टॉर्चर कर देते हैं, ठीक है। टॉर्चर करना मतलब किसी को प्रताड़ित करना, प्रताड़ित करना हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम करते हैं कि मान लीजिए भाई साहब आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे उसको? बार बार कोई टॉर्चर करे तो उसको आप कहिएगा ना कि हमसे दूर रह, दूर रहो तुम, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई साहब तुम हमको बार बार टॉर्चर कर रहे हो, हमसे दूर रहो। तो यहाँ क्या हो गया? दूर रह हो गया। दूर रह मतलब दूर रह, दूर रहने बोल रहा है उसको, तो यहाँ से ये दूर रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी टॉर्चर करे तो उसको सीधा सा बोल दीजिए कि भाई साहब दूर रह हमसे, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेट कर पाए होंगे कि WG आर्चर के द्वारा मुंडा दुरह की रचना किया गया, जो मुंडारी साहित्य, जो लोकगीत है उसका संकलन है। और इसका संकलन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी को। यहीं पे हम बात करेंगे कि रामदयाल मुंडा के द्वारा 2000 ईस्वी में मुंडारी टूर को ठारी, ये नाम है साहित्य का, और इसका प्रकाशन किया गया था। और ये जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार इस साहित्य के लिए इनको मिला हुआ था। क्या नाम था इसका? मुंडारी टूर कोठारी, ठीक है। ये साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, ठीक है। कब यह हुआ था? तो 2000 ईस्वी को प्रकाशन, और रामदयाल मुंडा के द्वारा। इसको कैसे हम याद करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ से आप देखिए, इसको रिलेट कीजिए राम और दयाल। राम क्या है? दया करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे राम दया करते हैं किनके ऊपर? जो कोठारी में रहते हैं, मतलब कोठरी में रहते हैं, ठीक है, मतलब गरीब जो है उनको राम दया करते हैं। तो यहाँ से आपका ये चीज़ याद हो गया होगा, है ना। वैसे लोगों को राम दया करते हैं जो कोठारी में, मतलब गरीब हैं उनको, ठीक है। अब उनको जब दया करते हैं तो उसके बाद क्या हम करेंगे कि मान लीजिए राम ने उनको दया किया तो उसी के कारण क्या हो गया? साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल गया राम के दया से ही। तो यहाँ से तीनों चीज़ आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे कि रामदयाल मुंडा है, और यही 2000 ईस्वी में इसको मुंडारी टूर कोठारी के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए यहाँ से आप रिलेट कर पाए होंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जगदीश त्रिगुणायत, और इनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई है वो थी बज रही बांसुरी, उसी को कहेंगे सोसो बोंगा, ठीक है। ये अपने भाषा में है लेकिन बज रही बांसुरी है। तो इनका भी प्रकाशन किन्होंने किया था? तो जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा। यहाँ से देखिए इसको आप रिलेट कीजिए, जगदीश है, जगदीश का थे विष्णु जी को, है ना, और उसी का क्या है कृष्ण जी से आप रिलेट कर दीजिए उनको, और वो क्या है बज रही बांसुरी, मतलब जगदीश जी कह रहे हैं, मतलब विष्णु जी कह रहे हैं कि कहीं बांसुरी बज रही है, ठीक है। तो बज रही बांसुरी कौन कह रहे हैं? जगदीश, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हो गया। वहीं पर हम बात करेंगे कि मुंडारी लोक कथाएँ, मुंडारी लोक कथा भी लिखा गया किसके द्वारा? तो जगदीश त्रिगुणायत, इनके पास त्रिगुण था, मतलब तीनों गुण था, सब गुण था, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या लिखा गया? तो मुंडारी लोक कथा भी जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा ही लिखा गया। इनके प्रकाशन का कोई डेट यहाँ पर पता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बलदेव मुंडा, और बलदेव मुंडा के द्वारा क्या लिखा गया? चंगा दूरंड, ठीक है। ये साहित्य का नाम है तो इसको अभी वैसे ही याद रख लेंगे, बलदेव मुंडा चंगा दूरंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, लास्ट है सुखदेव वर्दियार के द्वारा बिरसा भगवान का नाटक लिखा गया है। बिरसा भगवान के नाटक के बारे में यदि पूछा जाए तो आप आसानी से इसको कहेंगे कि सुखदेव वर्दियार। इसको रिलेट कैसे करेंगे? बिरसा भगवान क्या है? वो सुख देने वाले देव हैं, ठीक है, सुख देने वाला, सुख देने वाले देव हैं। और इसी से ये हम क्या करेंगे, सुखदेव क्या लिखे थे? बिरसा भगवान का नाटक लिखे हुए थे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ से हमने सारा कुछ रिलेट कर लिया है। और ये जो हमारा मुंडारी जो साहित्य है उनके द्वारा जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता था वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। और इन्हीं साहित्यों और इन्हीं रचनाकारों के माध्यम से ही आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि आप इसको रिलेट कर पाए होंगे अच्छा से तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, आप आसानी से बहुत ही
अच्छे तरीके से आप उसे बना करके आएंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आपका सारा कुछ ये कंप्लीट हो गया। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।